ओए होए होए, आज तो टाइम भी कम है और सैरी का और चीज़ें भी कम हैं, तो किस तरह से सैरी बनाई जाए इतने कम आइटम में और 3 बंदों के लिए, तो क्या किया जाए? चलो अपने खुराफाती दिमाग से कुछ निकालते हैं चीज़ें, कुछ क्या करना है इसके साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू लाहौर देखावे एली के। हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली, होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो आज हम बनाएंगे 4 ब्रेड से इतने सारे सैंडविचेस बनाएंगे, 1 अंडे से इतना ज़्यादा हम बनाएंगे, सहरी का एहतमाम करेंगे और एक ही हमारे पास कबाब है। तो देखिए क्या खुराफाती आइडिया निकलता है दिमाग से। ये लिए मैंने 2 स्लाइस, उनको मैंने ग्लास की मदद से बीच में से सर्कल निकाल लेने हैं और वो सर्कल हमारे निकलेंगे 2, मतलब कि ऊपर नीचे का जो एक स्लाइस होता है वो निकल आएगा। इसी तरीके से ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये जो सर्कल से जो बचा हुआ हिस्सा इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे स्लाइस से भी निकाल लेंगे, बहुत आसान है। इसकी जगह पे आप कोई प्लास्टिक का बॉल वगैरह भी ले सकते हैं, मगर ग्लास का ये होता है कि उसके जो साइड के जो उसके किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं, वो आसानी से इसका सर्कल निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरे का भी सर्कल निकाल लेना है, और हम इसको ये बन गए हमारे 2 सर्कल वाले स्लाइस बन गई। यही मेरे पास एक चॉकलेट पड़ी हुई है, इसको मैं क्रश करूँगी, और क्रश करके हमने एक मीठे में भी हमने आइटम बनानी है सहरी में, क्योंकि एक मीठे की आइटम भी ज़रूरी होती है, तो हमने वो भी बनानी है। स्लाइसर की मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि फ्रीज हुई भी चॉकलेट आप यूज़ कीजिएगा तभी ये काम हो सकता है, क्योंकि हमने इसको एक तरह से इसका फिलिंग तैयार कर रहे हैं चॉकलेट की इसके अंदर बनाने के लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक तरह से आपका चॉकलेट पाई बन जाता है। ये देखिए इधर क्रश करके ये हो गया आपका चॉकलेट वाला, ग्रेट करके मैंने इसके अंदर कर दिया है, और इसको मैं अच्छी तरीके से फिलिंग इसकी तैयार करने के बाद इसको कवर करूँगी दूसरे स्लाइसर स्लाइस जो मैंने काट कर रखा है, इसको एक मैंने बनाकर रख लिया है। ठीक है, ये हमारा गोल सैंडविच बन गया, चॉकलेट सैंडविच बन चुका है, और हम इसको खाना सहरी करने के बाद एंड में खाएंगे, और ये हमारे मीठे की कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, ये हो गया तैयार। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा जो है हमारा, इसमें हमने रखना है शामी कबाब। शामी कबाब भी हमने इसी तरीके से कर कर उसके ऊपर जो दूसरा वाला इसका हिस्सा है स्लाइस का, उसको हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे पानी का, जिससे वो इस पर चिपक जाए, और ये पानी का स्प्रे करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, और आसानी के साथ ही हमारा दूसरे के ऊपर इसका शामी सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। 2 चीज़ें बन गई हैं, मतलब कि एक स्वीट में स्वीट आइटम आ गया है। इसको प्रेस कर कर हमने इसको भी एक साइड पर रख लेना है, साइडों से किनारे से अच्छा दबाने के बाद। अब आ जाती है हमारे दूसरे जो सर्कल होल हैं, और हम ओपन करते हैं अपना चूल्हे का फ्लेम ओपन किया, उसके बाद रखा है फ्राइंग पैन, और उसके बाद मैंने ये आधा अंडा मेरे पास बचा हुआ था उसमें मैंने छोटी सी प्याज काट कर डाली है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टमाटर डालना है कटिंग कर कर चॉप करके, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डालेंगे, इसका भी हम यूज़ करेंगे। आप देखते जाइए किस तरह से हम करते हैं यूज़ इसको, और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह का प्लेटर तैयार हो जाएगा, 2 से 3 बंदों के लिए आराम से सैरी कर सकते हैं। और इस तरह का सीन अक्सर हमारे साथ हो जाता है कि या तो लेट आँख खुलती है, या फिर हम कुछ सैरी में कुछ बनाना कुछ रखना भूल जाते हैं कि कैसे करना है, तो ये इसके लिए झटपट से हम ये चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने बिल्कुल 1/2 स्पून ऑयल डाला है, और सबसे पहले फ्राई करने हैं राउंड सैंडविच जो मैंने आपके सामने बनाकर रखे हैं, और उसको धीमी आंच पर हमने करने हैं फ्राई, और उसको ढककर हमने रखा है। तो उसके बाद देखें उसकी साइड हम चेंज करेंगे, और इसकी साइड देखें हमने बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करनी है, लाइट गोल्डन करेंगे। दोनों साइडों को चेंज करने के बाद हम उसको दोबारा से इसी तरीके से फिर हम उसको फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है हमारी स्लो ही रहेगी। इसको बनाने का मकसद ये है कि जो हमने ये चॉकलेटी वाला जो बनाया है ये जो आप चॉकलेटी पाए बनाया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता चला जाएगा, और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, रेडी हैं एकदम, और थोड़ा सा इसको हमने डार्क गोल्डन किया है जिससे पहचान हो जाए ये हमारा चॉकलेट वाला है, और ये हमारा है शामी कबाब वाला सैंडविच। दोनों रेडी हैं। इसके बाद आ जाती है बारी, जो हमारे होल निकले हुए सैंडविच थे उनको भी हमने डिफरेंट स्टाइल से फ्राई करना है। ये दो दो में से मैंने
अलग अलग कर देना है इन दोनों को, और इनके डिफरेंट स्टाइल से सैंडविच बनाना है। देखें जो मैंने बनाए थे मिर्चों वगैरह बनाकर अंडा तैयार किया था उसको मैंने एक इस हॉल पे मैंने फिल कर देना है, और इसी तरीके से कंप्लीट इसको फिल करने के बाद ऊपर से लगाएंगे हल्का सा ऑयल, ठीक है, और जिससे कि अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और दूसरे सैंडविच के हॉल को हमने फिल करना है अंडे से, अंडे की जो वाइट वाला सफ़ेदी होती है इसको हमने सिर्फ इसके हॉल के अंदर डालना है, क्योंकि जो जर्दी वाला हिस्सा है वो हमने दूसरे सैंडविच हॉल के अंदर उसको यूज़ करना है। बहुत ही एहतियात से हमने इसको फिल कर दिया है, और ये देखिए हमारे दो सैंडविच तैयार हो गए हैं। एक प्याज और प्याज हरी मिर्च हरदनी के भी, और दूसरा है सिंपल हमने वाइट सैंडविच तैयार करके रखा है, ठीक है। इसको भी हमने इसी तरीके से बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना है, लाइट फ्लेम हल्की फ्लेम पर हम इसको तैयार करेंगे। इसी तरीके से दूसरे को भी हमने इसकी साइड चेंज करने के बाद इसको भी हल्का सा उस दूसरी साइड से भी पकाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे दो सैंडविच और तैयार हो जाएंगे, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हैं। ये देखें ये आपका पिज़्ज़ा सैंडविच एक तरह का तैयार हो चुका है, और दूसरा हमारा वाइट सैंडविच है। इसी तरीके से बाकी जो दो होल बचे हैं स्लाइस के उसको हमने फिल करना है। एक शामी कबाब लेंगे और उसको अंडे का जो मिक्सचर बचा था उसी के अंदर हमने इसको लपेट कर अच्छी तरीके से पहले उसके अंदर ऑयल डालेंगे, जिससे ये हमारे शामी कबाब चिपकेगा नहीं और अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। और ये जो हमारा बचा था बाकी अंडा उसको भी हम इसके अंदर ही फिल कर देंगे, और ये हमारा एक और सैंडविच तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हमने दूसरा सैंडविच जो है उसको हमने क्या करना है, उसको भी डिफरेंट स्टाइल से हमने बनाना है, और इसको हमने करना है जो हमारे अंडे की जर्दी बची थी ना उसको हमने इसके अंदर यूज़ करना है। ये देखें ये भी फिल हो गया है हमारा सैंडविच, वो एकदम डिफरेंट स्टाइल से। इसके ऊपर डालेंगे हम नमक और काली मिर्चें, हर बंदे की चॉइस के हिसाब से अलग अलग हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये एकदम से आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि हम चीज़ें कम हो तो हम किस तरह से हमने मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमारे खुद ब खुद आ जाती है दिमाग में। इसी तरीके से धीमी आंच पर इसको भी हमने करना है कुक, और बहुत ही प्यार से इसके साइड चेंज करेंगे। दूसरे के ऊपर ने डालना है नमक, डालेंगे काली मिर्ची जो भी आपको पसंद है वो डालने के बाद इसको भी हमने थोड़ा बहुत इसको मूव करना है, और इसकी साइड हमने चेंज नहीं करनी है, एज इट इज़ इसको हमने सर्व कर देना है। और ये आपका हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये भी सैंडविचेस दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए हम आ गए प्रेजेंटेशन का टाइम, ये हमारी सारी चीज़ें एकदम बनकर तैयार हैं। और ये देखिए हमने बनाया है 1 2 3 4 5 हमने बनाए सैंडविचेस, और दो हमने बनाए हैं, एक हमने चॉकलेट पाइस बनाया है, एक हमने बनाया है शामी कबाब पाइस बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इतनी कम चीज़ों से इतना बड़ा नाश्ता हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और अब आ जाती है इसको टेस्ट करने की बारी। जैसे कि टाइम कम है तो फटाफट से हमने इसको टेस्ट भी करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने जो बनाए हैं शामी कबाब की और चॉकलेट सैंडविचेस जो हैं उनको हमें साइड पे रखना है। सबसे पहले हमें शामी कबाब को ट्राई करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चॉकलेट जैसे कि केचप साथ रखी है तो केचप में डिप करके हम खाएंगे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। और इसी तरीके से हमने जो हाफ कुक जर्दी वाला सैंडविच बनाया है इसको भी हम ट्राई करेंगे, और माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही एवन सारी चीज़ें बनी हैं। उम्मीद है आपको मेरी फटाफट से सैंडविच तैयार करने की स्टाइल आइडिया पसंद आया होगा। और ये हमारा एक तरह का पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्री होकर, जैसे ही आपके पास ज़्यादा टाइम होते हैं। ये तो मैंने फटाफट से आपको बनाकर तैयार किया है, और आ जाती है लास्ट में, जी हाँ, चॉकलेट पाई की बारी। और मैं आपको मीठा जैसे कि एंड में ही खाते हैं,
इसीलिए मैंने इसको भी आपको एंड में ही खाकर टेस्ट करके बताना है। और माशाल्लाह सब रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनी है। उम्मीद है आपको मेरी सारी रेसिपी पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और अगर आई है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके फिर, सहरी में टाइम से उठ जाइएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।